नमस्कार, आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं जीवन जीने की कला। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी पूर्णतः जानेंगे गिलोय औषधि के बारे में। कब इसका इस्तेमाल करना चाहिए, इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए और कौन सा समय इसके इस्तेमाल के लिए बेस्ट होता है, साथ ही साथ कौन कौन सी बीमारियां इसके इस्तेमाल के बाद नहीं होती हैं, ये पूर्णतः जानेंगे और कौन कौन से लोग को इस्तेमाल करना चाहिए। तो आइए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आपके पूरे जीवन काम आने वाली ये जानकारी है। सबसे पहले इसके गुणों के बारे में जानते हैं। गिलोय का इस्तेमाल अक्सर बुखार में किया जाता है। बुखार के अलावा इसका उपयोग कई औषधीय गुणों के लिए भी किया जाता है। बुखार में डेंगू खास करके जो होता है, इसमें प्लेटलेट कम हो जाता है बॉडी में, तो इसके लिए बहुत अच्छी औषधि है, ये प्लेटलेट बढ़ाती है। इसके अलावा गठिया रोग के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है, ये डायबिटीज के मरीजों को ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद करती है। तो इससे ये समझ लीजिए, मच्छरों से जितने भी रोग होते हैं, चाहे डेंगू हो, मलेरिया हो या कोई भी रोग हो मच्छरों से होने वाला, उसके लिए ये बहुत अच्छी औषधि है। और इसके अलावा सबसे अच्छी बात है कि डायबिटीज वालों के लिए अच्छी औषधि है और गठिया रोग को दूर करती है, यानी कि जोड़ों के दर्द हों तो उससे दूर किया जा सकता है इससे। तो अब आइए सीखते हैं कि कैसे इसका इस्तेमाल करें, यानी कि इसका सेवन कैसे करें। बुखार में गिलोय का सेवन पाउडर, काढ़ा या फिर रस के रूप में करना चाहिए। किसी को भी अगर बुखार है तो उसे गिलोय का सेवन या तो पाउडर फॉर्म में कर लेना चाहिए या फिर काढ़ा बना करके या फिर रस इसका ले लीजिए। तीनों की विधि है। आप चाहें तो पाउडर ले सकते हैं, इसको सुखा सकते हैं, इसके डंठल को, और उसको पीस करके पाउडर बना सकते हैं और उसका सेवन कर सकते हैं। मात्रा हम आपको आगे बताएंगे। इसके अलावा काढ़ा ले सकते हैं आप, काढ़ा भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इसको पानी में उबाल दीजिए और उस काढ़े का सेवन कीजिए। इसकी डंठल का इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली, या फिर इसके रस को आप ले सकते हैं, इसके रस निकाल लीजिए और उसका सेवन कीजिए। इसके पत्ते और तने को सुखा करके आप पाउडर बना सकते हैं। वहीं बाज़ार में आपको गिलोय की गोली भी मिल जाती है आसानी से, लेकिन अगर आपको नेचुरल मिले तो उसका प्रयोग कीजिए, ज़्यादा बेहतर है। गिलोय का आपको एक दिन में 1 ग्राम से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, इस बात को ध्यान रख लीजिए। मात्रा कितनी होनी चाहिए, 1 ग्राम। जी हाँ, आयुर्वेद में गिलोय की तासीर को बहुत ही गर्म बताया गया है, इसीलिए सर्दी जुकाम और बुखार में ये बेहद लाभकारी औषधि है। तो अब सवाल आता है कि हम मात्रा समझ चुके हैं, इस्तेमाल का तरीका समझ चुके हैं, तो समय जानना भी जरूरी है कि कब इसका सेवन करना चाहिए। तो ऐसे तो वयस्कों के लिए गिलोय बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है, ये थोड़ी सी भी हानि नहीं पहुंचाती है। आयुर्वेदिक विशेषज्ञों का मानना है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को गिलोय का सेवन नहीं करना चाहिए। ये बात ध्यान में रखिए हमेशा कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को मत दीजिए, और उससे बड़े वालों को दे सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कब कब इसका सेवन किया जाए, तो गिलोय का सबसे अधिक सेवन बुखार में किया जाता है। हमेशा जमा बने रहने के लिए भी गिलोय का सेवन किया जाता है। गिलोय का इस्तेमाल पाचन तंत्र को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। किसी का खाना अगर हजम नहीं होता है तो उसे गिलोय का सेवन करना चाहिए। डायबिटीज के रोगी को इसका सेवन करना चाहिए, इससे शुगर लेवल में गिरावट आती है। इसका इस्तेमाल डेंगू में प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए कीजिए। वजन कम करने के लिए गिलोय के जूस का सेवन कीजिए। इसके कमाल के लाभ हैं, खास करके बुखार में ये सबसे बेस्ट औषधि है। कितना भी पुराना बुखार हो, जिसको क्रोनिक बुखार हो, जिसको सालों साल बुखार रहता हो, बुखार खत्म ना होता हो, वो भी अगर गिलोय का सेवन करता है तो उसे बुखार नहीं होगा, या जिसकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई रहता हो हमेशा, उसको सेवन करना चाहिए। इसका इस्तेमाल डायबिटीज के रोगियों को करना चाहिए। डायबिटीज में गिलोय का सेवन करने से ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है और पाचन तंत्र बेहतर होता है। इसके अलावा सबसे खास बात इसकी ये है कि ये हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने में मददगार है। इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो आप दुनिया में चल रही महामारी जो कि कोरोना वायरस बन चुकी है, इससे भी बचे रहेंगे। मोटापा कम करेगा ये आपका, क्योंकि इससे शरीर के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। तो इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जब आप ज्यादा मात्रा में अगर सेवन करेंगे तो नुकसान होगा। तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी इसका ज़्यादा मात्रा में सेवन मत कीजिएगा, कोई नुकसान नहीं होगा। अगर ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो क्या नुकसान होगा, ब्लड शुगर आपका डाउन हो सकता है, पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। गिलोय का इस्तेमाल गर्भावस्था के लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो गर्भावस्था में मत कीजिएगा, ज़्यादा मात्रा में मत कीजिएगा। मात्रा ध्यान दीजिए,
एक ग्राम की मात्रा। कैसा भी बुखार हो, डायबिटीज हो या फिर अर्थराइटिस हो यानी कि जोड़ों का दर्द हो या फिर चेहरे पर पिंपल्स वगैरह की समस्या होती हो यानी कि आपका ब्लड साफ ना हो तो इस औषधि को लीजिए। तीन तरीके हमने आपको बताए, एक तो इसके पत्तियों को और डंठल को सुखा करके उसको चूर्ण बना लीजिए, आप उसका सेवन कर लीजिए एक ग्राम की मात्रा में गर्म पानी के साथ सुबह सुबह खाली पेट, या फिर पानी में उबाल दीजिए इसके डंठल को और पत्तियों को और उस काढ़े को पी लीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं पत्तियों को खास करके डंठल को डुबो करके रख दीजिएगा पानी में, रात को सुबह जगने के बाद इसका सेवन कीजिएगा। ये आपके पूरे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करेगी, आजीवन स्वस्थ रहेंगे। और सबसे खास बात, जो बीमार हैं उन्हीं को नहीं लेना है बस, जो बीमार हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हें ही फ़ायदा होगा, जो स्वस्थ हैं वो भी अगर एक ग्राम की मात्रा में लेते हैं हर अल्टरनेट डेज में, यानी कि एक दिन लिया आपने तो एक दिन मत लीजिए, तो आप स्वस्थ रहेंगे, आपका ब्लड साफ रहेगा, आपका पाचन तंत्र सही से कार्य करेगा, आपके स्किन पर चमक बनी रहेगी, आप रोगों से बचे रहेंगे। तो कमाल के औषधि है, इसका सेवन कीजिए। यह आज की वीडियो रही, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही नई वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। लाइक कीजिए वीडियो पसंद आया तो, शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, फैमिली मेंबर्स के साथ, दोस्तों के साथ ताकि उनको एक बेहतर जानकारी मिल सके। फिलहाल आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।